ये है चेस्टनट रेड जो कि रॉयल एनफील्ड का है, और मैं कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे जब बैग वैग हम रखते हैं ना तो ऐसे स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो मैंने थोड़ा सा ट्राई किया हुआ है यहाँ पे। ये देखो परफेक्टली, मतलब आपको सिर्फ मोमेंट मोशन में रखना है जिससे कि एकदम सही से कलर हो जाए, ठीक है। तो ये कलर है, कुछ 180 रुपीज़ का मुझे प्राइस पड़ा, ट्राई किया मैंने वहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ, सब कुछ यहाँ पे मैंने कवर कर दिया, बस थोड़ा सा हैंडल बार के यहाँ पे थोड़ा सा कम जाऊँगा मैं, थोड़ा सा ये साइड में मुझे ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए करते हैं इसको ट्राई। पूरा अच्छे से हिला, एक लेयर हो जाएगी, फिर से एक और लेयर, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ये शाइन बना रहे यहाँ पे। तो मैंने अभी ये साइड में किया है, अभी ये साइड में करूँगा, अब मैं थोड़ा सा अलग साइड में करूँगा, ये साइड में, ठीक है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा ये साइड में करना है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन करूँगा, ठीक है। अभी एक लेयर हो गई है इसकी, तो मैं थोड़ा सा सूखने दूंगा, फिर से एक और लेयर हम इसकी मारेंगे, ठीक है, देख रहे हो परफेक्टली शाइन आ चुका है इसको। बस थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मार लेते हैं, अच्छे से हिला दे, बस मूवमेंट में रहना, मोशन में रहो, उसको मोशन में रहोगे तो ज़्यादा बेटर होगा और कलर इसका जो है डार्क आएगा। ये देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कवर कर दिया सीट को, और थोड़ा सा एक और लेयर में डालने वाला हूँ यहाँ पे। इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ये कह रहे थे कि कोई प्रोफेशनल से ही करा लो, क्या यार जुगाड़ तो करना ही पड़ता है कभी ना कभी, ठीक है। अभी यहाँ पे और ऐसा यहाँ पे भी मारना है मुझे इस एरिया में, 1 2 3 स्टार्ट। ठीक है, डन है, परफेक्टली डन है, ठीक है। थोड़ा अभी भी बचा हुआ है इसके अंदर, अभी भी बहुत कुछ है, वैसे सूख नहीं देता, देख लो अच्छे से, एक बार सूख जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये कलर हुआ है, ठीक है। एक बार सुबह के टाइम पे मैं दिखाऊंगा। इसका मैंने पूरा लोगो जो यहाँ पे कवर कर दिया है इस साइड से। 1 hour later मैंने इस लोगो की जो आउटर लाइन है इसको भी थोड़ा सा मैंने टेप से कवर कर लिया था ताकि ख़राब ना हो, ठीक है, इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है। तो मैं अभी इसको निकाल दूंगा, और मैंने इसको भी इस तरीके से कवर किया था कि क्योंकि ये पूरा क्रोम है तो इस पर अगर दाग लग गया तो बेफालतू में फैल जाएगा, केरोसिन से यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी मैंने कवर कर दिया था, ऑलमोस्ट एकदम चमक रही है बाइक, अब ऐसा एकदम डल लुक नहीं आ रहा है, परफेक्ट है। देखो अब दूर से देखो, सही लग रही है ना। चलो अभी हम इसको भी निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से, ये निकल गया, मैंने इस तरीके से पूरा कवर किया हुआ था, ठीक है। तो हम जो इसको साइड में निकाल लेंगे, एक इसकी फिनिशिंग देखो, कहीं पे भी जो है क्रोम एरिया में नहीं लगा है, ठीक है।
कहीं पे भी लगा, ये थोड़ा सा लग गया, ये तो अभी हाथ से लगा मुझे, ये तो निकल जाएगा। ठीक है, परफेक्टली एकदम टच आया एकदम। ठीक है, चलो।